नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों के अवधि में पूर्ण रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि, इन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। महानवमी के दिन हवन कर दशमी को पारण करके व्रत को पूरा करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से खास कृपा होती है। परिवार के सदस्यों को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर माता की पूजा अर्चना कैसे करें ताकि माता प्रसन्न हो और उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और हमारे परिवार पर बनी रहे। आपको बता दें कि इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रही है और माता इस बार डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन धरती पर जब वो आती हैं तब उनकी सवारी बदल जाती है। आपको पता होगा कि नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना किया जाता है। बहुत से लोगों को कलश स्थापना की विधि पता नहीं होती है, ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको आज कलश स्थापना और पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त की जानकारी से अवगत कराएंगे। इससे पहले मैं आपको कलश स्थापना के महत्व के बारे में बताना चाहूँगी। कलश या घट स्थापना का महत्व। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना किया जाता है। घट स्थापना माँ दुर्गा के शक्ति की स्थापना का प्रतीक है। घट में बीज का रोपण, जीवन की शुरुआत, जल का उपयोग जीवन के लिए कितना आवश्यक है ये हम सभी जानते हैं। घट स्थापना से घर में पवित्रता और शुद्धता बनी रहती है और घट स्थापना से घर में सुख समृद्धि आती है, तन निरोगी होता है। कलश या घट स्थापना से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 2 अक्टूबर को देर रात 12:18 से 4 अक्टूबर को 2:58 तक है। उदया तिथि के आधार पर अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को है। ऐसे में नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर गुरुवार को है और आज के ही दिन कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना के लिए पूजन सामग्री। कलश स्थापना के लिए जरूरी पूजन सामग्री जिससे आप कलश स्थापना कर सकते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम आपको एक मिट्टी का एक कलश, आपको बता दें कि मिट्टी का कलश सबसे शुद्ध माना जाता है। रक्षा सूत्र, गंगा जल, 7 प्रकार के अनाज, जौ, आम और अशोक की हरी पत्तियाँ, केले के पत्ते, जटा वाला नारियल, सूखा नारियल, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, रुई की बाती, गाय का घी, रोली, चंदन, गाय का गोबर, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, नैवेद्य, फल, गुड़हल के फूल, फूलों की माला, पंचमेवा, माचिस, माता रानी का ध्वज आदि। अब कलश की सही विधि की बात करें तो आपको कलश स्थापना की सही पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले दिन नवरात्रि व्रत और माँ दुर्गा की पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गणेश जी को प्रणाम करके पूजा स्थान पर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में एक लकड़ी की चौकी रखें। कलश स्थापना करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर धान या सप्त धान्य रखें। उस पर कलश रखें। कलश के गर्दन पर रक्षा सूत्र लपेटें, उस पर तिलक लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल और पानी डालें। इसके बाद कलश में अक्षत, फूल, सुपारी, सिक्का, दुर्वा, हल्दी, चंदन आदि डाल दें। इसके बाद आम और अशोक के पत्ते कलश में डालें। फिर उस कलश के मुख को ढक्कन से ढक दें। फिर सूखे नारियल पर रक्षा सूत्र लपेट दें। उसे कलश के ढक्कन को अच्छत से भर दें और उस पर नारियल को रख दें। इस प्रकार से आपका कलश स्थापना हो जाएगा। कलश स्थापना के बाद अब गणेश जी, वरुण देव के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, फिर उनके प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करें। कलश के पास पवित्र मिट्टी फैलाकर उसमें जौ डाल दें, फिर उस पर पानी छिड़कें ताकि जौ के उगने के लिए सही नमी हो जाए और यह जौ पूरी नवरात्रि तक रखते हैं। यह जितना ही हरा भरा होगा उतना ही आपके परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।